फैमिली कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड ईवा भी उठ चुकी है। गुड मॉर्निंग बोलो, आइस तो दिखाओ। तो आप देख रहे गाइस, ईवा भी उठ चुकी है। एंड आज जैसे कि आज सैटरडे है, तो आज हम अभी जा रहे हैं बंदरों को चरन खिलाने के लिए, क्योंकि गाइस बहुत ज़रूरी है उन बेचारों को कुछ ना कुछ, मतलब एक सेवा करके हम जरूरी है। गाइस ये ज़रूरी नहीं है कि हम नहाते ही सारा कुछ मतलब चिंता करें या कुछ करें, आपका मन साफ होना चाहिए, भगवान सब माफ़ करता है। सो अभी हम चलते हैं, मन्नू आने वाले हैं ड्यूटी से, वो कल नहीं आए थे, आपने देखा था ब्लॉग में, तो अभी वो आएंगे हैं। वो ऊपर आए उससे पहले नीचे चले जाते हैं, वहाँ से डायरेक्ट हम लोग बंदरों को वो चना एंड गुड़ खिला के आते हैं, एंड उसके बाद आपसे मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड। मन्नू भी आ चुके हैं अभी, एंड हम लोग ले रहे हैं शॉप से चना एंड गुड़, और ये हमारे सुरेश भैया हैं। गुड़ 1 किलो भैया, गुड़ ले रहे हैं, हम चना भी लेंगे। गाइस ये है चना, दो और दो, कितने हैं? हाँ दो और दो है? नहीं नहीं कैसे भी देख लेना, पन्नी में डाल, नहीं इनको ना मिक्स करना, बड़ी पन्नी दे दो। अच्छा, ये इवा हम ये किसको खिलाएंगे है? किसे खिलाएंगे? मंकी को, मंकी को? हाँ। है गाइस हमारे जो गुड़ एंड चना हैं वो बन चुके हैं, हमने गुड़ के छोटे छोटे पीस कर लिए, एंड अभी हम ये बंदरों को खिलाएंगे, तो चलते हैं। देखिए गाइस बारिश भी हो रही है, आपको दिखाती हूँ मैं। सब लोग चल दिए बंदरों को खाना खिलाने के लिए, एंड यहाँ पर बहुत बारिश हो रही है अभी, एंड मन्नू आ गए ड्यूटी से। हेलो तो बोलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, एंड गाइज इवा को मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी बड़ी गाड़ी में इवा के लिए बिल्कुल जगह नहीं है, इवा कहाँ पे बैठी है आप देख लीजिए खुद ही। सो गाइज यहाँ पे तो इवा है नहीं, इवा कहाँ गई? अरे इवा तो यहाँ बैठी है। इवा मजा आ रहा है, बोलो गाइज से मैं कहाँ बैठी हूँ? इवा पीछे आके बैठी है गाइज, यहाँ पे हमने रख दिया है चना एंड गुड़। गाइस केले बचे हुए थे, ठंडा बहुत था, मैं इवा के लिए लाइट फूड नहीं खाया, तो मैंने सोचा वेस्ट होने से अच्छा है कि मैं बंदर निकाल लूं, थोड़े से बिस्किट्स। क्या कर रहे हो इवा? आना है आपको, आ जाओ फिर। बैठ जाओ बेटू, गाइस बारिश हो रही है, तो आज हमें बंदर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं इधर, आई होप कि मिल जाए एंड उन बेचारों को हम कुछ खिला पाए। Where is monkey बाबू? चलो देखते हैं फोन है। ओके। अरे यहाँ पे मंकी नहीं है। तो गाइस फाइनली हमें यहाँ पर बंदर मिल चुके हैं, ये मंदिर में थे भगवान जी की शरण, क्योंकि बारिश हो रही है तो ये बेचारे भी कहाँ रहेंगे। ये देखिए गाइस, thank you.
कचरा डाल जाऊं मैं? तो गाइस हमने बंदरों को चना एंड गुड़ खिला दिया है एंड हम लोग जा रहे हैं वापस रूम में। गुड़ एंड चना खिला के, गुड़ और चना खिला के अच्छा लगता है। सुबह सुबह खिलाना चाहिए, शनिवार मंगलवार को आप भी खिलाओ, सुकून मिलता है बहुत। सो गाइस हम लोग घर पे आ चुके थे एंड आने के बाद हमने चाय पी एंड रस्ते से हमने समोसे ले लिए थे, तो चाय एंड समोसे हमने खा लिया एंड अभी मैं बना रही हूँ, क्योंकि समोसे थोड़े हैवी थे तो अभी मैं कुछ बना रही हूँ लाइट सी खिचड़ी, तो मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड। मैं बना रही हूँ मटर एंड गोभी की खिचड़ी, जिसे थोड़ा सा भून लेते हैं अच्छे से एंड एक सीटी के बाद प्रॉपर ये बन जाएगी, बिकॉज मैंने गोभी को जो है अच्छे से फ्राई कर लिया था, तो अच्छे से फ्राई करने के बाद जो है कि गोभी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गई थी। मैंने इसमें आलू नहीं डाले गाइस, ओनली मटर एंड गोभी डाली है एंड बस अब इसको एंड सीटी लगा देते हैं। तो गाइस जो मेरी खिचड़ी थी वो बन चुकी है एंड मुझे इसमें थोड़ा सा घी डाल के खाना पसंद है। देखिए आप देख रहे हैं खिचड़ी बहुत गर्म है एंड इसमें हम थोड़ा सा डाल देते हैं घी, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है गाइस। इसका जो स्मोक आ रहा है उससे मेरा फेस नहीं दिख रहा है, बहुत लाइटिंग इस साइड से है, सॉरी। एंड ये बन चुकी है हमारी खिचड़ी, टेस्टी सी खिचड़ी। गाइस खिचड़ी के साथ मुझे आम का अचार बहुत ज़्यादा पसंद है, ईवा नहीं खाती है बट मैं खा रही हूँ एंड ईवा को भी खिलाते हैं। जैसा कि आपको पता है आजकल कोविड चल रहा है, तो इसलिए आप भी पानी बॉईल करके पिए, गर्म पानी पिए, मैं भी गर्म पानी बना देती हूँ एंड तब तक ईवा को थोड़ा सा खाना खिला देते हैं एंड उसके बाद आपसे मिलते हैं। खा रहे क्या खा रहे ईवा? खिचड़ी, ये ईवा को भी बहुत पसंद है। सो उसके बाद आपको मिलते हैं, बोलो हम खिचड़ी खा रहे हैं। ओके स्टे ट्यून्ड गाइस, गुड इवनिंग। अभी शाम का लगभग 6:30 हो रहा है एंड मैं मार्केट से जस्ट अभी आई हूँ। ईवा अभी खेल रही है अपने टॉयज के साथ एंड अभी मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोभी की सब्जी एंड रोटी, साथ में हम पियेंगे मट्ठा जो कि मैं गर्म करके पीती हूँ ठंडियों के टाइम पर, थोड़ी सी हल्दी एंड नमक एंड जीरे का छौंका लगा के। सो अभी दिखाती हूँ मैं आपको कि वो कैसे बनता है मट्ठा, तब तक बनी रहिए मेरे साथ एंड वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। ईवा खेल रही है अभी, ईवा खेलो बाबू, क्यों आए आप इधर? दूध चाहिए? ओके लिपस्टिक क्या करा आपने, खराब कर दिया? क्या किया आपने? ओके देखते हैं ईवा क्या करी अभी, टॉयज तो ये बिखरे पड़े हैं ईवा के सारे। ओ माय बच्चा, माय बच्चू, इवो तो सो गई नहीं नाली इवो। गाइस अभी ईवा सो चुकी है, आप देख रहे हो मेरे पीछे ईवा सो रही है एंड मैंने सब्जी चढ़ा दी है आलू गोभी की एंड मटर भी है उसमें एंड मनु का वेट कर रही हूँ खाना खाने के लिए, बिकॉज डे ड्यूटी तो है ही है बट उनकी नाइट ड्यूटी भी है गाइस। सो अभी इलेक्शन का टाइम है तो ड्यूटी बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल वाली है एंड आप समझ सकते हो जो भी उत्तराखंड या इंडियन पुलिस कहीं से भी रिलेट करते हैं वो समझ सकते हैं कि पुलिस वालों की ड्यूटी कितनी बिजी शेड्यूल वाली होती है एंड वी प्राउड है, हमें प्राउड करना चाहिए उन पर एंड आई प्राउड ऑल्सो। सो अभी मैं मन्नू का वेट कर रही हूँ एंड देखते हैं वो कब तक आते हैं। सो मिलते हैं आपसे। रही थी गाइस बाहर खिड़की से एंड मन्नू आ चुके हैं, गाड़ी आ चुकी है, आपको दिखाती हूँ घूम करके। देखिए एंड गाइस बहुत हवा चल रही है अभी, बहुत ठंड है
सुबह बारिश भी हुई थी। एंड एक नहीं है भैया नीचे से आवाज़ लगा रहे हैं। एंड ये आ गए मनु। एंड गाइस आपको एक चीज और दिखाती हूँ, इवा का दूध मैंने गर्म कर दिया है। एंड यहाँ देखिए गाइस इतनी ज़्यादा हवा है, इतनी ज़्यादा हवा। एंड आप देख सकते हैं गाइस कितनी ज़्यादा हवा है। एंड हैट्स ऑफ उत्तराखंड पुलिस हो या इंडियन पुलिस, मैं भी बार बार बोलती हूँ कहीं की भी पुलिस हो, लेकिन सोल्जर्स जो है हमारे देश के, हैट्स ऑफ है उन्हें। वो देखिए गाइस यहाँ पर गश्त होती है रात को एंड मॉर्निंग तक रहते हैं गाइज। बट देखिए आप हवा देखिए, टेम्परेचर देखिए गाइज। मैं थर थर कांप रही हूँ घर के अंदर, बट बाहर का जो टेम्परेचर है, माय गॉड, मैं 5 मिनट भी अपने हाथ बाहर नहीं रख सकती, इतना माइनस पे टेम्परेचर है। बट गाइज यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं एंड मैं रिलेट कर पाती हूँ, शायद इस वजह से ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ बिकॉज मेरे हस्बैंड पुलिस में है। सो प्लीज़ आप लोग भी जो पुलिस वाले हैं उनके उनके लिए पॉजिटिव माइंड रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। गाइस रात का 2 बज गया है मुझे वीडियो को एंड करते हुए। सो गुड नाइट, टेक केयर एंड प्लीज केयरफुली रहिएगा आप लोग भी, कोविड बहुत ज़्यादा हो रहा है।